हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग आज हम जो फैमिली पढ़ेंगे वो है सोलेनेसी फैमिली सोलेनेसी फैमिली को हम नाइट शेड फैमिली भी कहते हैं पोटैटो uh, फैमिली भी कहते हैं बिकॉज पोटैटो बिलोंग्स टू दिस फैमिली सोलेनम ट्यूबरसम इज़ बॉटैनिकल नेम ऑफ पोटैटो इसके अलावा लैटिन भाषा में uh, जो वर्ड है एक वर्ड है सोलेमैन सोलेमैन का मतलब होता है कंफर्टिंग इसके कुछ पौधे सीडेटिव होते हैं या ऐसे पौधे होते हैं जिनसे कि नींद आ जाती है जैसे कि धतूरा वगैरह तो ये वाले पौधे आराम देने वाले पौधे होते हैं इसलिए इस फैमिली को सोलेनेसी नाम डाला गया सोलेमेन जो कि लैटिन भाषा का वर्ड है उसके आधार अब हम देखें सिस्टमेटिक पोजिशन डिवीजन एन क्लास डाइकोटलिडनी सब क्लास गेमोपैटिली श्रेणी पॉलीमोनीलिस और फैमिली सोलेनेसी कई सारे पौधे सोलेनम ट्यूबरोसम सोलेनम में बहुत सारे पौधे हैं जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के पौधे हैं इसके अंदर जितने भी पौधे आते हैं उनमें से काफ़ी तो मेडिसिनल प्लांट होते हैं और कुछ पौधे जो हैं वो वेजिटेबल्स की तरह से काम में आते हैं हम आगे पढ़ेंगे आ, उनके बारे में इसका अगर हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये कॉस्मोपॉलिटिन इन डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि ये सर्वव्यापी है ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों क्लाइमेट्स के अंदर इसके प्लांट्स पाए जाते हैं मेजोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में ये पाया जाता है वर्ल्ड में 83 थ्री जनरा हैं और 2925 हज़ार स्पीशीज़ हैं और इंडिया में इसके इक्कीस जनरा हैं और 90 स्पीशीज़ पाई जाती हैं अगर हम सोलेनेसी फैमिली के आ, मेम्बर्स की जनरल करेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसके फ्लावर्स रेगुलर होते हैं और उनमें फाइव पेटल्स होते हैं पांच स्टेमन्स होते हैं जो कि कोरोला ट्यूब पे अटैच होते हैं सो एपीपेटल कंडीशन ऑफ स्टैमन्स इज़ द करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोलेनेसी फैमिली लीव्स ऑल्टरनेट होती हैं वेरिएबल होती हैं और उनके मार्जिनस एंटायर भी हो सकते हैं कटे हुए भी हो डिसेक्टेड भी हो सकते हैं और इनके अंदर स्टिप्यूल्स नहीं पाए जाता और अधिकांशतः ये अल्टरनेटली लगी हुई होती हैं अपेक्स उसके ऊपर स्टेम के ऊपर एक लीफ एक तरफ तो दूसरी लीफ दूसरी तरफ इस तरीके से वो लगी हुई होती हैं फ्लावर्स के अंदर फाइव पेटल्स हो गए एक्टिनोमॉर्फिक जनरली फ्लावर्स होते हैं और इनकी ओवरी सुपीरियर होती है देर इज़ वन मोर कैरेक्टरिस्टिक कि ओवरी में जो सेप्टम होता है वो ओब्लिक सेप्टम होता है सो प्रेजेंस ऑफ ओब्लिक सेप्टम पेंटामेरस फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन एंड एपीपेटलस कंडीशन दीज आर अ फ्यू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली सोलिनसी नाउ अगर हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखें तो उसमें हैबिट में हर्ब्स श्रब्स ट्रीज होते हैं ट्विनर्स होते हैं अधिकतर पॉइजनर्स भी होते हैं पौधे इस तरीके के पौधे इसमें उगते हैं तो हर्ब्स श्रब्स और ट्रीज़ तीनों की तीनों तरह के पौधे सोलानसी फैमिली में पाए जाते हैं रूट टैप रूट होती है ब्रांच होती है स्टेम इरेक्ट होता है ट्विनिंग होता है यूजुअली ग्लैंडुलर इस हेयर होते हैं इसके अंदर फिस्टूलर यानी कि इंटरनोड जो होती हैं वो हॉल होती हैं खोखली होती हैं सोलेनम ट्यूबरोसम के अंदर स्टेम जो होता है वो ट्यूबर्स में मॉडिफाई हो जाता है आलू के अंदर आपने देखा होगा जो आलू हम खाते हैं वो एक स्टेम है एंड दिस मोडिफाइज इन टू ट्यूबर्स दे लीवस लीवस ऑल्टरनेट होते हैं uh, लेकिन कई बार अपोजिट ऊपर वाली जो पत्तियाँ हैं वो अपोजिट हो जाती हैं क्योंकि उनके इंटरनोड्स जो होते हैं वो कंपेरेटिवली छोटे होते थे वो अपोजिट जैसी दिखाई देती हैं एक्सेस्टलेट्स होते हैं एरोमेटिक कुछ प्लांट्स uh, um, के अंदर एरोमेटिक होती हैं सिंपल होती हैं पिनेट होती हैं स्टोमेटला इस्टोमेटा मेनली एक सरफेस पे कन्फाइंड होते हैं हेयरी लीव्स होती हैं मल्टी सेल्यूलर हेयर्स उनमें होते हैं और ब्रांच होते हैं हेयर्स देन द रिप्रोडक्टिव करेक्टरिस्टिक्स इन फ्लोरिसंस प्लांट यूजुअली मोनोशियस होता है या फिर कभी कभी डाइशर्स होता है जैसे कि सोलेनम में और साइमोनेंथस के अंदर टर्मिनल साइमोज या लीफ अपोज सोलिटरी फ्लावर्स पाए जाते हैं फ्लावर्स पेंटामेरास होते हैं टेट्रासाइक्लिक होते हैं टेट्रासाइक्लिक माने चार वर्ल्स होते हैं से, आ, सेपल्स पेटल्स एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम यूजुअली रेगुलर होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा इरेगुलर होते हैं जैसे कि सेल्पिक ग्लोव या ग्लोवसेस के अंदर फ्लोरल इरेगुलरिटी जब पाई जाती है उसमें पेरियंथ होते हैं और एंड्रोशियम पाए जाते हैं यानी कि सेपल्स एंड पेटल्स का डिफ्रेंसीशन नहीं होता और जो वर्ल होती है वो पेरियंथ कहलाती है और उसके साथ में एंड्रोशियम पाया जाता है हाइपोगाइनस कंडीशन इंट्रास्टेमिनल डिस्क पाई जाती है फ्लावर्स मोस्टली ओडोरलेस होते हैं उनके अंदर कोई स्मेल नहीं होती है। और कभी कभी स्मेल पाई जाती है जैसे कि निकोशियाना टबैकम में तम्बाकू के जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर थोड़ी सी स्मेल होती है सेस्ट्रम के अंदर स्मेल होती है तो ये कुछ प्लांट्स हैं कैरेक्टरिस्टिक फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है जिसमें ऊपर की तरफ एंथरलोब्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं आप धतूरा इनोक्सिया को देखेंगे तो उसके अंदर भी काफ़ी बड़े बड़े फ्लावर्स हैं अगर हम रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स देखें उसमें कैल फ्लार के डिस्क्रिप्शन को स्टडी करें तो कैलिक्स पांच होते हैं सेपल्स गैमोसैपलस कंडीशन सेपल्स आपस में जुड़े हुए परसिस्टेंट मतलब काफ़ी समय तक वो परसिस्ट करते हैं विद वालवेट एस्टाइवेशन बैंगन को आपने देखा होगा बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर बैंगन में क्या होता है आपको कैलिक्स लगे हुए जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं वो डंठल जिसके ऊपर जिसमें वो पर्पल कलर का फ्रूट लगा होता है और उसमें ग्रीन कलर के काफ़ी बड़े बड़े कैलिक्स पाए जाते हैं उसके बाद आता है कोरोला पांच पेटल्स पैटल्स गेमोपेटल कंडीशन रोटेट सोलेनम के अंदर या कैंपेन्युलेट फाइसेलिस में या फनल शेप्ड जैसे कि धतूरा में धतूरा को का पेड़ आपने देखा होगा उसमें फ्लावर्स जो होते हैं वो फनल जैसे दिखाई देते हैं लंबे से फ्लावर्स होते हैं या फिर ट्यूबुलर जैसे कि सेस्ट्रम के अंदर या बाइलेबिएट होते हैं शाइजेंथस में और अधिकांशतः वो रेगुलर होते हैं और इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन भी इसके अंदर कंटोटेड या इनब्रिकेट एस्टावेशन इसमें पाया जाता है एंड्रोशियम पांच स्टाम होते हैं एपिपेटलस होते हैं पॉली कंडीशन होते हैं आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं वो अपोजिट टू सेपल्स सेप्पल्स के अपोजिट होते हैं पेटल्स के अल्टरनेट क्रम में व्यवस्थित होते हैं डाइडाइनमस कंडीशन पाई जाती है एंथोसेरिसिस में फिलामेंट्स अपेंडिकुलेट होते हैं एंथोसेरिसिस uh, में एंथर्स डोर से होते हैं डॉर्सल सरफेस पर कनेक्टिव लगा फिलामेंट जो है वो लोब्स के डोरसल सरफेस पर अटैच होता है या फिर बेसी फिक्स्ड होते हैं जैसे कि लोब के नीचे की तरफ फिलामेंट अटैच होता है पोर्स के द्वारा उनमें डेहेसेंस होता है जो स्फुटन होता है वो छिद्र के द्वारा होता है कई बार लॉन्गिट्यूडनल स्लिट्स भी बनती हैं अधिकतर इंट्रोज होते हैं और टेट्रास्पोरेंजेट एंथलोब्स पाए जाते हैं देन देर कम्स दी गाइनेशियम गाइनेशियम इज बाइकाररी सिंग कार्पस टू सेल्ड विद सुपीरियर ओवरी गाइनेशियम इज ओब्लिक ओब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं मदर एक्सेस के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो सेप्टम स्लाइटली ओब्लिक होता है ना तो वो उसी की सीध में होता है ना उसके नाइन्टी डिग्री के एंगल पे होता है वरन वो थोड़ा सा ओब्लिक होता है तिरछा होता है स्टाइल टर्मिनल होती है एक या दो स्टिग्मा होते हैं ओव्यूल्स एक से पचास हर लॉक्यूल में होते हैं और प्लेसेंटेशन इसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है ये आपको दिखाई दे रहा है दतुरा इनोक्सिया का फ्लोरल डिस्क्रिप्शन है आप देखेंगे ये फ्लावर्स हैं ये नीचे की तरफ जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं दीज आर सेपल्स ये पेटल्स हैं जो कि ट्यूब बना रहे हैं ट्यूबुलर होता है फ्लावर उसमें। ये पेटल्स हैं पेटल्स के बेस पे यहाँ पर फिलामेंट्स अटैच्ड हैं दीज आर दी फिलामेंट्स विच आर अटैच टू दी पेटल्स और ये एंथरलोब्स हैं ये जो ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर या डार्क कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं दीज आर एंथरलोब्स ये एलस ऑफ फ्लार है ये सिंगल स्टामिन बड़ा सारा एंथरलॉप ये बड़ा सा एंथरलॉक एंड फिलाेंट इट इज अटैच एट बेस इसके बाद ओवरी का अगर हम देखें ट्रांसफर सेक्शन तो उसमें एक्चुअली होते दो चैम्बर्स हैं लेकिन ऐसे दिखाई देते हैं कि चार चैम्बर्स हैं दिस इज दी फ्लोरल डायग्राम पांच सेपल्स दिस इज मदर एक्सेस ये मदर एक्सेस है ये पांच सेपल्स हैं जिनमें वॉलवेट एस्टाइवेशन होता है उसके बाद उनके अल्टरनेट क्रम में पेटल्स लगे होते हैं जो कि अटैच्ड होते हैं और एट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कहाँ बा त्रेट्रास्पुरेंजीट या टेटरा स्पोरेंजिएट लगे हुए होते हैं एंड दे आर अटैच टू सेपल्स एपीपेटल कंडीशन ये दिखाई दे रही है और मैंने आपको बताया था ओब्लिक सेप्टा पाया जाता है आप मदर एक्सेस के कंपैरिजन में अगर इसकी ओवरी को देखें तो ये ऐसा नहीं है इट इज़ नॉट लाइक दिस एंड इट इज़ नीदर लाइक दिस ऐसा भी नहीं है ये कैसा है मदर एक्सेस के कंपैरिजन में देखें तो ये तिरछा है तो ये जो ओब्लिक सेप्टम है दिस इज द करेक्टरिस्टिक फीचर दिस इज करेक्टरिस्टिक फीचर एन एपीपेटल कंडीशन इज द करेक्टरिस्टिक फीचर एन परसिस्टेंट कैलिक्स इज़ दी करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोलेनेसी फैमिली उसके बाद अब हम आते हैं फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ द फैमिली एक्टिनोमार्फिक फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक बाई कैलिक्स फाइव गेमो सेप्लस कंडीशन ब्रैकेट है पाँच के दोनों तरफ गैमोसैपलस कोरोला फाइव गैमोपैटल कंडीशन एंड्रोशियम फाइव एंड्रोशियम इज अटैच टू दी कोरोला एपीपेटल कंडीशन गाइनिशियम सिंकार्पस एंड सुपीरियर सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फ्लोरल फॉर्मुला ऑफ सोलेनेसी फैमिली नाउ द प्लांट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कैप्सिकम मेनम मिर्ची कैप्सिकम एनम वेराइटी ग्रोजा धाबू मिर्ची या शिमला मिर्ची जिसको कहते हैं वो भी सोलेनेसी फैमिली को बिलोंग करती है लवानगी मिर्च जो होती है कैप्सिकम ये भी इस फैमिली को बिलोंग करती है सो ऑल दी वेराइटीज़ ऑफ ऑल दी स्पीशीज ऑफ capsicum are found in the in uh, in this particular family lycopersicum lycopersic uh, esculentum kar keh de hum isko ya lycopersicum lycopersicum ye jo hai ye tomato hota hai tomato ke andar bhi aapko sepals persistent दिखाई देते हैं कई बार हरे हरी पत्तियाँ सी लगी होती हैं वो sepals होते हैं उसके బా సోళనమ్ మిలోంజినా బెంగన్ సోలనం నాయ్రమ్ కమ్యూని సోలనమ్ టిబ్రోసమ్ ఆలూ నికోషియానా టబెకమ్ తంబాకూ ఫ్సెలిస్ లోంగ్ఫోలియా పో సోళనమ్ ఎంగువి जिसको डोरली कहते हैं या मोती रिंगनी कहते हैं सोलेनम विगिनियनम वही रिंगनी कहलाती है धतूरा इनोक्सिया धतूरा होता है धतूरा मेटला काला धतूरा होता है विधानिया सोमनी वेरी इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी यूजफुल मेडिसिनल प्लांट अश्वगंधा हम जानते हैं विदानिया सोमिनी फेरम दिस इज ऑफ हाई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस उसके अलावा ब्र फेलिया सेस्ट्रम डायरेनम सेस्ट्रम नोक्टर्नम रात की रानी पिट्यूनिया हाइब्रिडा पिट्यूनिया पिट्यूनिया इज एन ऑर्नामेंटल प्लांट जो कि विंटर सीजन में आपको देखने को मिलता है उसकी बहुत सारी वेराइटीज होती है वेरीगेटेड भी हो सकता है वाइट फ्लावर्स भी हो सकते हैं पर्पल फ्लावर्स भी हो सकते हैं जनरली ये गार्डन्स uh, की शोभा बढ़ाता है तो इट हैज़ प्लान्स दोलोनीसी फैमिली हैज़ प्लान्स ऑफ हाई मेडिसिनल इम्पोर्टेंस ऑफ हाई एडिबल वैल्यूज, एज मोस्ट ऑफ़ दी वेजिटेबल्स बिलोंग टू दिस फैमिली एंड देन द ऑर्नामेंटल पर्पस रात की रानी बिटूनिया ये सब ऑर्नामेंटल पर्पस के प्लांट्स हैं इसीलिए सोलेनेसी फैमिली बहुत अधिक इकनॉमिक इम्पॉर्टेंस रखती है सो दिस इज ऑल अबाउट सोलेनेसी फैमिली थैंक यू एंड गुड डे